जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह पाक, तेरा ये आसरा है, तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही हर मुश्किल परेशानी से निकालेगा। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है एलिस्ट्रेशन। मतलब हम एलिस्ट्रेशन वाली टैप कर रहे हैं। पहले हम इसको क्या बनाते हैं, टाइटल बना लेते हैं। टाइटल बना लिया और कंट्रोल डी करके बोल्ड करते हैं, और साथ में इसका इसको कंट्रोल ई करके सेंटर में ले आते हैं, ठीक है। और आज हमने इसकी तीन टूल करनी है, जो जिनमें से सबसे पहली टूल कौन सी है, शेप और स्मार्ट आर्ट और चार्ट। हमने पिक्चर और ऑनलाइन पिक्चर, ये दो टूल्स कल हमने कर ली थी, आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ और होम का बटन दबाता हूँ और इनको हेडिंग वन पे सेलेक्ट करके कंट्रोल भी कर देता हूँ। जी समझ ना, या बंद कर। जी तो मैं इनको नंबरिंग भी देता हूँ साथ में, ठीक है। ये नंबरिंग भी हो गई है। अब शेप्स पे क्लिक करते हैं और शेप्स से रिलेटेड जितना भी काम है वो करके देखते हैं, क्या वो होता है या नहीं होता हमारे पास। हमने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे हम शेप वाले एरो पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म की शेप्स नज़र आ रही हैं, जिनमें से क्या कुछ है लाइन्स में है, रेक्टेंगल्स में है, और ब्लॉक एरोज में है, इक्वेशन शेप शेप्स हैं, और फ्लो चार्ट है, और स्टार्स एंड बैनर्स वगैरह की शेप्स, और उसके अलावा क्या है, कॉल आउट शेप्स हैं, इस तरह की शेप्स हैं। और सबसे ऊपर में हमारे पास क्या आता है यहाँ पे बेटा, वो वाली शेप जो रिसेंटली यूज़ हुई हो। हम सबसे पहले यहाँ पे कोई एक शेप पकड़ते हैं, ये वाली हमने एक शेप पकड़ी, इस पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ड्रैग करते हैं। ये हमने इसको ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब इस थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। जी ये शेप हमारे पास आ गई। अब बच्चे क्या है कि जब हम शेप लेंगे, शेप लेने के बाद उस शेप से रिलेटेड जितनी भी टूल्स होंगी वो हमें कौन से मेन्यू से मिलेंगी बच्चों, फॉर्मेट वाले मेन्यू से मिलेंगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं आपको बता दूँ क्या है बेटा, मैं दोबारा बताता हूँ। जी यहाँ से लेकर और ये वाले जितनी भी टूल्स हैं यहाँ तक, ये इस्तेमाल होंगी किसके लिए बच्चों, शेप को एडिट करने के लिए। और जो यहाँ से लेकर ये वाली टूल्स हैं ये यहाँ तक, ये इस्तेमाल होंगी जो हम शेप के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे और उसके लिए इस्तेमाल होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इन टूल्स को इस्तेमाल करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद, ये मैंने शेप को सिलेक्ट तो किया हुआ है, यहाँ पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये देखो मेरे पास डिफरेंट किस्म के थीम यहाँ पे नज़र आ रहा है बेटा, थीम स्टाइल। तो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट किस्म की थीम के स्टाइल मौजूद हैं। हम कोई भी थीम का स्टाइल जो है अपने उस शेप्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला शेप का स्टाइल लेते हैं, और अगर इसके अंदर मैंने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट वाले बाद में लिखते हैं, अगर मैंने इसको रोटेट करना है, यहाँ पे ये वाला एरो नज़र आ रहा है, ये जो बना हुआ, इसको अगर मैं राइट साइड पे करता हूँ तो बेटा हमारी शेप राइट साइड पे मूव करेगी, लेफ्ट पे जिस साइड पर मर्जी मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। और अब उसके बाद बेटा क्या है, अगली टूल क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये वाला डॉट नज़र आ रहा है, येलो डॉट, अगर मैं इसको यहाँ से देखे, ये देखो ये मेरी शेप बिल्कुल राउंड हो गई है, और अगर मैं इसको यहाँ से दोबारा करता हूँ बेटा इस तरह की फॉर्म में, तो ये देखें जिस तरह की मुस्ततील जिसको बोलते हैं, कॉर्नर शो होते हैं, और यहाँ से मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक राउंड और वो कर सकता हूँ। और यहाँ पे जो ये वाले जो सिक्स डॉट हैं, तीन ये वाले, दो ये वाले, और तीन ये, तीन और तीन छः और दो आठ होते हैं, मैं छः बोल रहा हूँ। अच्छा यहाँ से बेटा मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें ये क्या है, मेरे शेप को एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, इस शेप को और यहाँ पे इसके इलस्ट्रेशन के पीछे लेके आता हूँ, ये आ गया। अब क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन होगी सेंड बैकवर्ड, यहाँ पे नहीं हो रही, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सेंड बिहाइंड, अभी भी नहीं हुई, और हम यहाँ पर करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, ये देखो बच्चों। तो अब क्या आ गई, मेरी पिक्चर जो मेरी शेप जो है वो मेरे टेक्स्ट के पीछे चली गई है, मतलब टेक्स्ट मैंने वैसे ही लिखा हुआ है लेकिन शेप उसके ऊपर आ गई है। अगर आपने शेप का डुप्लीकेट बनाना है तो शेप को सिलेक्ट करो और कंट्रोल डी कर दो, कंट्रोल डी करोगे तो शेप का डुप्लीकेट हमारे पास ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और मैं आता हूँ बेटा फॉर्मेट में और इसका कलर चेंज करता हूँ, इसका कलर चेंज कर लिया मैंने ये वाला, और साथ में इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये लो बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया।
अब देखा ऐसा लग रहा है जैसे 3D फॉर्म में हो ये हमारी शेप, ऐसा है नहीं लेकिन लग रहा है ऐसे जैसे कि 3D फॉर्म में, क्योंकि दो कलर बन गए। तो इसके अलावा बेटा मैं दोबारा कुछ शेप लेता हूँ, इंसर्ट में आता हूँ, और इंसर्ट में आने के बाद सर आज तो ऑफिस हूँ इसलिए ओके। अच्छा जी, तो उसके बाद बेटा मैं दोबारा कोई और शेप सेलेक्ट करता हूँ, शेप सेलेक्ट करूँगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कि ये वाली शेप है ये, इस पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये शेप आ गई है। और अब शेप में हमें ये वाला पॉइंट नज़र आ रहा है, ये वाला पॉइंट किसके लिए, ये देखो ये वाला पॉइंट इसके लिए और ये वाला पॉइंट इसके लिए। तो हम इसको अगर यहाँ से इसको इन राइट साइड का कॉर्नर बनाना चाहते हैं तो ये देखो चारों कॉर्नर, और हम यहाँ से इनको बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ये वाले कॉर्नर भी बन जाएंगे। और अगर हमने इन पॉइंट्स को अपनी मर्जी के मुताबिक एडिट करना हो बच्चे, तो फिर हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये वाली टूल है एडिट पॉइंट। मैंने एडिट शेप पे क्लिक किया और यहाँ पे नज़र आ रहा है एडिट पॉइंट वाली ऑप्शन है, मैंने एडिट पॉइंट वाली ऑप्शन पे क्लिक किया और तो अब देखें ये पॉइंट बन गया है। तो पॉइंट बनने के साथ क्या है, मैं यहाँ से इस पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा नीचे लेके आना चाहता हूँ, ये देखो बच्चों ये आ गया, और यहाँ से इस वाले एरो को मैं थोड़ा नीचे करने लगा हूँ, ये देखो। इस तरह अब अपनी मर्जी के मुताबिक, मतलब जिस तरह ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जो लोग बच्चे होते हैं ना वो काम करते हैं ना, वेक्टर बाय वेक्टर होता है, तो इस तरह का काम भी हम अपनी शेप्स के अंदर कर सकते हैं अगर हमें इन एडिट पॉइंट का पता हो तब, अदरवाइज नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो ये देखें मैंने इसको एडिट पॉइंट कर दिया अपनी मर्जी के मुताबिक, ये हो गया ये नहीं। अब उसके बाद बेटा यहाँ पे क्या है, ये वाली टूल, ये क्या है, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अगर हमने कोई टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना था, हम क्लिक करेंगे और हमने ये हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, और हम यहाँ पे लिखते हैं गैलेक्सी कंप्यूटर कॉलेज, ये मैंने लिखा बेटा। और अगर इस टेक्स्ट को आपने यहाँ पे इसको मिनिमाइज़ करना, तो जाहिर बात आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे इसको ये मैंने कर दिया और इसको मैं ड्रा करके लेके आता हूँ यहाँ पे। अब देखो जब मैंने बड़ा टेक्स्ट ड्रा किया तो टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड पे कलर आ रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे शेप फिल में जाना है और शेप फिल में करना है नो फिल। जैसे ही आप नो फिल करोगे तो क्या होगा, आपके टेक्स्ट के ऊपर जो आपने टेक्स्ट बॉक्स लिया है उसके पीछे बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा। अब बैकग्राउंड कलर तो नहीं आ रहा लेकिन इसका बॉर्डर नज़र आ रहा है आपको, तो मुझे बॉर्डर भी नहीं चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, शेप आउटलाइन में जाता हूँ और यहाँ पे करता हूँ नो आउटलाइन। तो ये देखो बेटा मेरी शेप्स के जो मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया था उसका बैकग्राउंड भी गायब हो गया, और बैकग्राउंड के साथ साथ उसके बॉर्डर भी गायब हो गए हैं। और अगर मैं चाहता हूँ मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहीं पे रहने दूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ इस शेप के अंदर मैं टेक्स्ट लिखूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, इस पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ये वाली ऑप्शन है ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ गैलेक्सी कंप्यूटर कॉलेज। मुझे नज़ला लगा हुआ है तो इग्नोर करना यार, ठीक है, ये मैंने बेटा लिख लिया। और अब उसके बाद क्या है, कंट्रोल इसको ए करता हूँ, कंट्रोल बी करता हूँ, और कंट्रोल बी करने के बाद यहाँ पे इसकी पोजीशन होगी शायद मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे सॉरी वो पोजीशन शेप की है टेक्स्ट की नहीं है, तो हमारे पास टेक्स्ट डायरेक्शन यहाँ पे है, हम यहाँ से इसको ये तो ऑलरेडी है इस तरह की फॉर्म में, नहीं किसी भी फॉर्म में नहीं ले सकते हम, तो हम कंट्रोल ई करते हैं ये हमारा सेंटर में, कंट्रोल राइट करते हैं ये हमारा राइट में आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरह हम कुछ इस शेप के ऊपर टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इंसर्ट में क्लिक करता हूँ, और इंसर्ट में क्लिक करने शेप्स में है, और जैसे कि यहाँ पे और देखते हैं फॉर एग्जांपल ये एक स्टार है ये वाला, इस पर क्लिक किया और ये मेरे पास आ गया, ठीक है। और स्टार पे क्लिक करने के बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं इसके अंदर कुछ लिखते हैं, अगर लिखना हो तो बेटा लिख भी सकते हैं, आपको पहले पता चल गया ये। तो बच्चे यहाँ पे ये शेप, ये यहाँ पे क्या है चेंज शेप, और यहाँ से एडिट पॉइंट, ये बात समझ में आ गई है, और ये टेक्स्ट बॉक्स की समझ में आ गई, और ये थीम्स जो है हमारे पास थीम स्टाइल, ये समझ में आ गए आप सबको कि नहीं आए बच्चों, आ गए होंगे। और उसके बाद शेप फिल, अब ये बड़ी कमाल की चीज़ है, शेप फिल में क्या है, अगर ये तो हमारे पास बिल्ट इन कलर है, हम कोई भी कलर एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमारा कलर हमारे शेप के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर नो फिल करेंगे तो कोई कलर फिल नहीं होगा। अगर मोर कलर्स में आते हैं तो ये हमने पहले करके देख रखा है, RGB कलर है और यहाँ पे दूसरा HSL है, तो हम यहाँ से कोई भी कलर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पे पिक्चर, अगर हमने कोई शेप के अंदर का पिक्चर बैकग्राउंड में इंसर्ट करनी हो तो हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं और वर्क ऑफ लाइन पे क्लिक करते हैं, और उसके बाद यहाँ से हम कोई पिक्चर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाले कुछ पिक्चर्स है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया और कर दिया इंसर्ट, और ये ले बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई, मैं पिक्चर पर एक बॉर्डर लगा दूँ ताकि आपको वाजह तौर पर नज़र आए,
ये देखो बच्चों, तो ये क्या किया कि मैंने पिक्चर्स को उस शेप्स के बैकग्राउंड पे एडजस्ट कर दिया है, फिल कर दिया है बेसिकली। अगर उसके बाद आपने कोई ग्रेडिएंट कलर लेना है तो ग्रेडिएंट कलर की ऑप्शन भी हमारे पास है। उसके लिए हम एक और नई पिक्चर लेते हैं, हम आते हैं यहाँ पे क्लिक करते हैं और पिक्चर हमें लेनी है कौन सी, हम यहाँ से कोई भी बेटा पिक्चर ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से ये हार्ट वाली पिक्चर लेते हैं, ठीक है। और हार्ट वाली पिक्चर पे लेने के बाद हमने इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिया और ये आ गया जी। अब उसके बाद शेप फिल में आते हैं, शेप फिल में आने के बाद यहाँ पे ग्रेडियंट फिल है। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि दो कलर का मिक्सचर। यहाँ पे देखो ये कलर्स नज़र आ रहे हैं, अगर मैं करता हूँ मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ प्री सेट ग्रेडियंट मतलब पहले से डिज़ाइन किए गए ग्रेडियंट मौजूद है। मैं यहाँ से कोई भी ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये हो गया। और अगर मैं इनका कलर चेंज करना, जैसे यहाँ पे ये आ रहा है ये वाला, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैंने करना रेड, तो मैंने रेड पर क्लिक किया बेटा, ये देखो रेड हो गया। और ये वाला नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से करता हूँ इसको, मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्लू, और ये ले ये ब्लू हो गया। और ये वाला जो है, अगर इसको देखो मैं सेट पर करता हूँ, ये देखें मैं अपनी मर्जी के मुताबिक इनको बेसिक बोलते हैं ग्रेडियंट, वो बोल इनको ग्रेडियंट ही करते हैं, क्या बोलते हैं मेरे ख्याल से, हाँ एड ग्रेडियंट स्टॉप। ये देखें अगर मुझे यहाँ पे कोई और कलर चाहिए, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ और यहाँ पे प्लस वाले साइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने प्लस वाले साइन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक और ग्रेडियंट आ गया। इसका कलर करता हूँ, इसका कलर मुझे कहीं चाहिए कौन सा कलर, मैं कर लेता हूँ इसका कलर यहाँ से ये वाला हो गया। ये देखो बच्चों, तो इसका कलर यहाँ पे ये एडजस्ट हो गया है। तो इस तरह बेटा हमारे पास ग्रेडियंट की ऑप्शन भी होती है। यहाँ पे अगर हमने कोई यहाँ से ये वाला कलर रिमूव करना, तो इस पे येलो पे क्लिक करो और यहाँ पे इस पे क्लिक करो, ये रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डायरेक्शन है लेनियर, लेनियर की फॉर्म में हो जाएगा। और अगर करते हैं रेडियल, रेडियल की फॉर्म में हो जाएगा। अगर करते हैं रेक्टेंगुलर, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेनियर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे लेनियर पे क्लिक किया, ये देखें ये सारे लेनियर की फॉर्म में आपको नजर आएगा। मैं यहाँ से एक और कलर डिलीट कर देता हूँ, ये वाला, ये ले अब दो कलर मेरे पास हो गए। अब लीनियर आपको एग्जैक्ट नज़र आएगा, ये देखे लाइनों की फॉर्म में बन गया बेटा। और अगर मैं करता हूँ यहाँ से रेडियल, ओए रेडियल पे क्लिक किया तो ये देखे बेटा यहाँ सर्कल की फॉर्म में हो गया। और अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से कर लिया रेक्टेंगुलर, तो यहाँ से ये रेक्टेंगुलर की फॉर्म में हो गया, ये देखो बच्चों। और अब उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको पहले बता दिया कि यहाँ पे किस तरह अगर अपने कलर ऐड करना होता है और उसको किस तरह रिमूव करना होता है। अगर प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और क्रॉस के बटन पे क्लिक करेंगे तो क्रॉस वो क्या कहते हैं रिमूव हो जाएगा। उसके बाद उसकी पोजीशन है, उसका कलर यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंस कितना, उसको लाइट करना कितना नहीं करना, ये देखो वो वाला जो कलर है हमने यहाँ सेलेक्ट किया ये वाला। और अगर हम रेड पे क्लिक करते हैं और रेड वाले को अगर हम ट्रांसपेरेंस करते हैं, तो ये देखो हमारा ट्रांसपेरेंस, रेड भी ट्रांसपेरेंस हो रहा है। ब्राइटनेस इसकी कम ज़्यादा करनी है तो ये देखो हम अपनी मर्जी वाला इसकी रेड की ब्राइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बच्चों ये था हमारा, क्या ये तो था हमारा शेप्स के मतलब ग्रेडियंट है। अगर ग्रेडियंट हमने टेक्सचर लेना हो तो बेटा हमारे पास टेक्सचर क्या है, बने बने टेक्सचर्स हैं। हम यहाँ से कोई भी टेक्सचर एज ए पिक्चर के पिक्चर शेप्स को फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे ये बेतहाशा नज़र आ रहे हैं आपको। और अगर मैं इन पे यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे करता हूँ मोर टेक्सचर पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या आता है मोर टेक्सचर पे। जब मैंने मोर टेक्सचर पे क्लिक किया तो यहाँ पे पिक्चर टेक्सचर है। और यहाँ पे अगर हम कोई फाइल लेते हैं और यहाँ से कोई फाइल और पकड़ लेते हैं कि हमारे पास इस पर, या इस पर क्लिक कर लें और करते हैं इंसर्ट, और उसके बाद ये देखो ये तो शेप फिल का वो पिक्चर फिल करना हो गया ना, टेक्सचर थोड़ी है। तो अगर मैं पैटर्न पे फिल करता हूँ तो पैटर्न में ये हमारे पास पैटर्न के कुछ डिज़ाइन मौजूद हैं। अब पहले यहाँ पे देखते हैं ये वाला, ये देखो डिज़ाइन आ गया यहाँ पे, ये वाला, ये बेसिक शर्ट्स के डिज़ाइन बनते हैं कि नहीं बनते उस तरह की शेप में। यहाँ पे कलर हमारे पास है, मैं बेटा करता हूँ रेड और दूसरा कलर करता हूँ वाइट, वाइट अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं करता हूँ ब्लू तो ये देखो बेटा ब्लू और रेड और ब्लू की फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट कुछ पैटर्न मौजूद है, हम किसी भी पैटर्न में अपने क्या बोलते हैं उसको यार, शेप्स को किसी भी पैटर्न के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आई बच्चों। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ठीक है, अच्छा जी उसके बाद क्या है बेटा, मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ये सॉरी मैं इसको करता हूँ क्लोज़। तो यहाँ से ये हमारा शेप हो गया। और उसके बाद शेप फिल की सारी टूल हमारी हो गई है, उम्मीद करता हूँ हो गई, अगर कोई मिस हो गई तो मुझे बता देना बेटा, ठीक है। और उसके बाद शेप आउटलाइन, शेप आउटलाइन में जाहिर बात है हमने ये सारा कुछ कर रखा है पहले से, मैं तो सिर्फ वैसे आपको रिवाइज़ करवा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आपने आउटलाइन लगानी है तो आउटलाइन को कलर देना, तो यहाँ पे कलर है। और अगर नो आउटलाइन तो आउटलाइन नहीं लगेगी। और उसके बाद मोर आउटलाइन कलर, तो वो हमने पहले करके देख रखा है। और वेट में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास वेट में आउटलाइन का हम जो विड्थ है उसको एडजस्ट
कर सकते हैं। मैंने ये वाला ले लिया और उसके बाद आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे वेट में हो गया हमारे पास। उसके बाद डैशेज में, अगर हमने लाइन को अपनी जो बॉर्डर हमने आउटलाइन लगाई है उसको हमने डैशेज में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पे हमारे पास डैशेज की ऑप्शन भी मौजूद है। तो हम अपने उस पिक्चर को, अपने उस शेप के बॉर्डर आउटलाइन को डैशेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और डैशेज के बाद मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ मोड लाइन्स में, और मोड लाइन्स में बच्चों ये देखो यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन आ गई, ग्रेडियंट भी लगा सकते हैं। मतलब है कि ग्रेडियंट में हमारे पास क्या है, पहले से जो सेट किए गए हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने जो हमने आउटलाइन लगाई है हम उसको कोई ग्रेडियंट कलर भी दे सकते हैं। तो वहाँ पे तो हमारे पास सिंगल कलर था ना बेटा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट कलर मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और येलो को मैं कर लेता हूँ यहाँ से ब्लू, ये लो बच्चों। तो इस तरह ग्रेडियंट में हो गया। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शन भी है, ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं, पोजीशन है यहाँ पे, और ब्राइटनेस है, विड्थ है, और कंपाउंड यहाँ पे। मैं समझाना आपको चाहता था ये वाली टूल, ये अगर मैं स्केयर करता हूँ तो बेटा ये देखें स्केयर तो ऑलरेडी है, अगर मैं करता हूँ यहाँ राउंड तो ये देखें ये मेरे यहाँ से कॉर्नर जो है राउंड में, कंट्रोल जी कर रहा हूँ ये देखें, अब ये सॉरी ये देखो अब बिल्कुल स्ट्रेट है ये, कट की फॉर्म में अगर कंट्रोल वाई करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल राउंड की फॉर्म में हो गया। उसके बाद यहाँ पे मीटर है, और राउंड में क्लिक करते हैं राउंड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और करते हैं बाउल में, ये देखो बाउल में यहाँ से फ़र्क पड़ा, कंट्रोल जी कर रहा हूँ ये देखो, अब ये कॉर्नर है कंट्रोल वाई कर रहा हूँ तो ये देखें ये कॉर्नर ख़त्म हो गया और ये बिल्कुल कट की फॉर्म में हो गया। तो इस तरह बेटा हम इनका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और उसके अलावा क्या है हमारे पास, ये सारी हो गई एरोज़ वगैरह तब इस्तेमाल होते हैं जब हम कोई एरो ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आते हैं और कोई एरो ड्रा करते हैं, ये हमने एक एरो ड्रा कर लिया और इसको हमने यहाँ पे ड्रा कर लिया, और ड्रा करने के बाद अब आते हैं शेप आउटलाइन में, अब आते हैं देखा अब है एरो की जो टूल है वो हाईलाइट हो गई कि नहीं हो गई। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, तो हम कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं, ये वाले ले लिया। और उसके बाद यहाँ पे स्टाइल है इसका, ये देखिए हमारे पास ये स्टाइल भी आ गया। और उसके बाद यहाँ पे आते हैं इसकी विड्थ हमने ज़्यादा करनी है तो ये ले जी हम इसकी विड्थ भी ज़्यादा कर सकते हैं। कलर चेंज करना तो बच्चों आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने कलर भी चेंज कर दिया है। तो इस तरह बेटा आप क्या कर सकते हैं, शेप उसमें आकर यहाँ पे एरोज़ में ये वाले एरोज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है हमारे पास, शेप इफेक्ट। शेप इफेक्ट जाहिर बात है कमाल, बड़ी कमाल की चीज़ है। इस तरह हमारे पास था ना पिक्चर इफेक्ट था, तो पिक्चर इफेक्ट में हम क्या करते थे क्या बोलते थे उसमें, 3D में था, और उसके बाद काफ़ी चीज़ें थी। जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, प्रीसेट पहले से सेट किए गए, ठीक है हमारे पास ये देखें पहले से सेट किए गए जो शेप इफेक्ट हमारे पास मौजूद हैं। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और शेप लेता हूँ, यहाँ पे आया क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ से मैंने ये वाली शेप ले ली और इसको मैंने ड्रैग, और इसको मैं कलर करता हूँ। यहाँ से मुझे कलर करना है इसको, कौन सा येलो कलर कर लेता हूँ, और बॉर्डर मुझे इसका नहीं चाहिए तो मैं करता हूँ नो बॉर्डर येलो। ख़त्म हो गया, शेप इफेक्ट में आते हैं, प्रीसेट वाली ऑप्शन हमारी हो गई है, शेडो साया वाली ऑप्शन भी हमारी हो गई थी, हमने कल की थी पिक्चर्स को जिस तरह हम साया देते हैं बेटा, इस तरह अपने किसी भी शेप को भी जो है वो शेडो दे सकते हैं। अगर रिफ्लेक्शन पर क्लिक करते हैं अक्स, ये वाला काम भी हमने कल कर लिया था, और ग्लो पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास ग्लो की ऑप्शन भी है जो कॉर्नर बॉर्डर उसको ग्लो करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और सॉफ्ट एज पे क्लिक करते हैं तो एजेस को रिमूव करने के लिए बच्चों इस्तेमाल हो रही है, ये देखो एजेस इसके रिमूव हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसी पिक्चर पे क्लिक करता हूँ और इसके जो एजेस हैं उनको रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे ये देखो ये नज़र आ रहा है आपको बेटा, ये क्या हो रहा है, इसके जो एजेस हैं वो रिमूव हो रहे हैं, 1.8 2.5 है, 5.8 10.8 25 है। और अगर मैं बाउल पे क्लिक करता हूँ तो बाउल में मेरे पास 3D फॉर्म में, ये देखो मेरे पास इस तरह के फॉर्म में मेरा जो है शेप बन जाएगी। और मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और 3D में मेरे पास बेतहाशा, जिस तरह हम पिक्चर्स को 3D फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, इसी तरह हम किसी भी यहाँ पे शेप को भी 3D फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा शेप्स रेडी जितने भी टूल्स है। अब यहाँ पे जो ये वाली सारी टूल्स हैं ये इस्तेमाल किसके लिए होंगी, टेक्स्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई यहाँ पर लेता हूँ, मुझे यहाँ पे ना कोई शेप लेनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ये वाली शेप लेता हूँ और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करता हूँ और यहाँ से इसके अंदर मैंने ये लिखा, ये शेप आ गई। अब जो यहाँ पे ये वाला येलो एरो है ये देखो, इसको जो यहाँ पे राउंड हो रहा है इसको डार्क मतलब
है क्या बोलते हैं यार, मोटा या भरी करने के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा हमारे पास ये, आपको तो पता ही है, तो इस शेप को जैसे हमें इस पर टेक्स लिखना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन है ऐड टेक्स की, ऐड टेक्स की क्लिक किया और यहाँ पे मैं कोई टेक्स पकड़ लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। मैं एक थीसिस लिख रहा था, अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, और तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल वी कर दिया जी, ये टेक्स्ट मेरा लिखा गया। लेकिन मैं टेक्स्ट थोड़ा कोई और ले लेता हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, थोड़ा सा टेक्स्ट पे क्लिक किया और कंट्रोल सी किया, और यहाँ से मैंने इसको भी कंट्रोल सॉरी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, सॉरी मैंने क्लिक नहीं किया, अच्छा जी कंट्रोल वी कर दिया, ये लो। तो ये मेरे पास टेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब टेक्स्ट के रिलेटेड हम टूल्स पढ़ेंगे बेटा। हमने शेप को मैं पहले कलर देता हूँ कोई अच्छा सा, ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो बार बार। ये मैंने शेप को सिलेक्ट कलर दे दिया, और बॉर्डर को मैंने कलर देना है, तो बॉर्डर को भी मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर दे सकता हूँ। बॉर्डर को मैं थोड़ा साइज़ बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ बड़ा किया, और बॉर्डर को मैंने कलर भी यहाँ पर दे दिया। ये नहीं जी, अब यहाँ पे टेक्स्ट है तो देखा, अब पहले ये टूल हाईलाइट नहीं हो, जैसे मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो ये टूल हाईलाइट सॉरी फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक किया तो फॉर्मेट पे क्लिक किया, अब ये टूल हाईलाइट नहीं हो रही, ठीक है। तो लेकिन जैसे ही मैं टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा ये टूल हाईलाइट होने लग जाएंगी। तो मैं कंट्रोल ए करता हूँ, ये मैंने टेक्स्ट सारा सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर मेरे पास पहले से कुछ प्री सेट किए गए कुछ क्या बोलते हैं हैंड राइटिंग स्टाइल मेरे पास मौजूद हैं। हम कोई भी हैंड राइटिंग स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। मैंने यहाँ पे ये वाला ले लिया, और उसके बाद यहाँ पे हैंड राइटिंग स्टाइल है, उसको कलर भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे करना है ब्लू, तो ये ब्लू की ऑप्शन भी है, और मैं करता हूँ कंट्रोल जी और ये हो गया। अब मैं कलर देने लगा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास बच्चों यहाँ पे कलर की ऑप्शन भी मौजूद है। येलो को ज़्यादा सूट कर रहा है, मैं कंट्रोल बी कर रहा हूँ बोल्ड करने के लिए, और शेप को उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये बच्चों वही टेक्स्ट को जो टेक्स्ट की आउटलाइन है, अगर हमने इसको आउटलाइन लगानी है तो ये देखो आउटलाइन शो हो रही है। ये देखो बच्चों नज़र आ रहा है आपको कि नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ से आउटलाइन है, और आउटलाइन को हमने कलर देना है, तो हम यहाँ से अपनी मर्जी में आउटलाइन कलर भी दे सकते हैं। और उसके अलावा क्या है हमारे पास यहाँ पे, कुछ और टूल्स भी हैं। देखो ये सारा कुछ आपने बेटा पहले से कर रखा है, तो काइंडली मुझे दिमाग ना खपाइएगा, आप सारा कुछ यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये टूल क्या है, ये बड़ी कमाल की टेक्स्ट इफेक्ट। टेक्स्ट इफेक्ट में शेडो लगाना हो तो बच्चे शेडो भी लगा सकते हैं, रिफ्लेक्शन है रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं, ग्लो है और ग्लो भी कर सकते हैं, और बाउल बाउल की फॉर्म में देखते हैं कुछ होता है। मेरे ख्याल से बाउल टूल इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, शायद हो भी जाए लेकिन पता नहीं। और रोटेशन पे क्लिक करते हैं तो रोटेशन वाले टूल इस पर अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो ये वाली टूल तो यहाँ पे अप्लाई हो रही है। और ट्रांसफॉर्म में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाली ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म वाली ऑप्शन भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये मैंने टेक्स्ट ज़्यादा लिखा हुआ है इसलिए वैसा लग रहा है आपको, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, इंसर्ट में आया, इंसर्ट के बाद आता है मैं शेप में, और शेप में क्लिक किया मैंने, यहाँ से मैंने कोई शेप ले लीजिए, कौन सी ये शेप मैंने ले ली जी, यहाँ पे शेप ले ली, और नहीं शेप की तो मुझे बेसिक, मैं को सर्कल लेता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, कंट्रोल जी मुझे चाहिए क्या सर्कल चाहिए बेटा, मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ, और मेरे पास सर्कल यहाँ पे मौजूद ही ये वाला है, ठीक है, यहाँ पे भी है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखो अगर मैं इसको वैसे ड्रा करूँगा तो सर्कल की लंबाई चौड़ाई जो है वो एग्जैक्ट नहीं होगी, अगर कंट्रोल का बटन दबा के करूँगा ना बच्चे, तो चारों साइडें क्या होंगी इक्वल कम ज़्यादा होंगी। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है, ये देखो ये लिखा, और इसके अंदर मैं लिखने लगा हूँ कि अपना नाम लिखने लगा हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और करता हूँ ऐड टेक्स्ट, और यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी साजिद अली, ये मैंने लिखा। और लिखने के बाद मैंने इसको सेलेक्ट किया बेटा, और सेलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ कहाँ पे, टेक्स्ट इफेक्ट में, यहाँ पे सॉरी ये वाले ऑप्शन में, ये ट्रांसफार्मर वाले में, तो ये देखो मेरे पास यहाँ पर ये वाली ऑप्शन आ गई है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सारे ट्रांसफॉर्म तब इस्तेमाल होंगे हमारे पास, ये देखो अम्मी नज़ला जी। हमारे पास यहाँ पे देखते हैं और भी बहुत से हमारे पास क्या है हैंड राइटिंग, वो ट्रांसफॉर्म स्टाइल हमारे पास मौजूद है। मैं ये ऑफिस 2007 में कुछ अलग थे, लेकिन 13 और 10 और उसके बाद 16 में सब में सेम है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ से कोई भी क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल ले सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। कंट्रोल बी करते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, उसको कलर करते हैं येलो, ये कलर भी हो गया। शेप को कलर करना है तो हम यहाँ पे आते हैं, शेप पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से इसको हम ये वाला कलर कर लेते हैं शेप को,
ये शेप कॉलर भी हमारे पास हो गया। अब उसके बाद क्या है बेटा, यहाँ पर टेक्स्ट डिडक्शन है। टेक्स्ट डिडक्शन मैंने पहले बताया था, जिस तरह हमारे पास ए टू जी लेफ्ट टू राइट है, टॉप टू बॉटम है, बॉटम टू टॉप है, हम यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं करता हूँ ये, तो ये देखो ये हो गया बेटा। अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ और करता हूँ ये, और ये इस तरह की फॉर्म में भी हो गया। अगर मैं करता हूँ यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, ये बेटा लेफ्ट टू राइट की फॉर्म में भी हमारे पास हो गया। और अगर मैं यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे ये देखो ये, और इसको मैं करता हूँ क्रीम और ये देखो बेटा, तो मेरे पास यहाँ पे सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। और उसके अलावा क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली ऑप्शन भी हो गई। और यहाँ पे क्या है, अलाइन टेक्स। अलाइन टेक्स क्या है, टॉप है तो टॉप में आ जाएगा, और उसके ऑलरेडी टॉप में है। और उसके बाद यहाँ पे करते हैं मिडल, मिडल में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे करेंगे बॉटम, तो बॉटम में आ जाएगा। इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमारे शेप का साइज़ जो है वो छोटा है, और उसके अलावा जो इसमें टेक्स है वो भी नॉर्मल है। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, और अब इसका मैं थोड़ा साइज़ बड़ा करने लगा हूँ, ये हो गया। और उसके बाद अब करने लगा हूँ कि मैं यहाँ पर करता हूँ टॉप, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा क्योंकि अभी तक वो साइज टेक्स जो है उसके ऊपर पूरा पूरा का पूरा एडजस्ट हो रहा है। ये फैन स्लो करियो, फैन है, आवाज़ दे रहा। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या है, क्रिएट लिंक। देखते हैं क्रिएट लिंक में क्या ऑप्शन हमें देता है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट लिंक पे, और क्रिएट लिंक करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पे इसने मख दे दिया। तो क्या कह रहा है, दिस टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्टेड कैन नॉट बी लिंक, मतलब अगर हमने कोई लिंक क्रिएट करना ये टूल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो। इसके इस्तेमाल में देखूंगा बाद में क्या है। पोजीशन आपको करना आती है यहाँ पे, ये देखिए टॉप है, लेफ्ट है, बॉटम है, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। रैप टेक्स, रैप टेक्स का मैंने आपको कल अच्छे से समझाया था, थ्रो जिसमें इस्तेमाल होता है कि अगर हमने टेक्स को मूव करना हो तब। और उसके बाद बिहाइंड टेक्स ये मैं समझा चुका हूँ, सेंड बैकवर्ड ये समझा चुका हूँ, सिलेक्शन पेन मतलब सेलेक्ट ऑल ये वाली टूल है यार। अगर आपने सेलेक्ट यहाँ पे देखो जितनी भी मेरी शेप्स हैं, अगर उन सबको सेलेक्ट करना है तो शो ऑल, तो शो सारी की सारी हाइड हो जाएगी। अगर मैं करता हूँ सो हाइड ऑल, तो मेरी कोई भी शेप्स हो शो नहीं होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस पर सेलेक्ट करता हूँ, ये इस पर क्लिक किया और कंट्रोल का बटन दबा के मैंने इस पर और इस पर और इस पर सबको मैंने सेलेक्ट किया। और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको क्या बनाया, ग्रुप। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है ग्रुप। ये मैं जैसे ग्रुप पर क्लिक कर दिया, तो ये क्या होगी, मेरी सारी शेप्स एक बन गई हैं। और अब मैं इन सबका साइज़ देखते हैं, छोटा करने की कोशिश करता हूँ कि सबका साइज़ छोटा होगा कि नहीं होगा। ओए चुप करवाओ यार, ये देखो बच्चों, तो यहाँ पे क्या होगी, सारे शेप्स मेरे ग्रुप की फॉर्म में बन गई है। ओए ग्रुप में बन गई है बेटा, बच्चे ज़रा भांजे भांजी आई हुए हैं इसलिए ज़रा वो शोर कर रहे हैं, रो रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा क्या है, यहाँ पे अलाइन वाली का ऑप्शन, वही वाला जो मैंने कल आपको समझाया था वही है। रोटेट हमारे पास बेटा यहाँ पे रोटेट के ऑप्शन भी है, हम किसी भी फॉर्म में इसको रोटेट कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है। और उसके बाद यहाँ पे ये साइज़ वाली ऑप्शन है बच्चे, हम अपना साइज़ जो है उसकी हाइट और विड्थ इन दोनों को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखिए हम सेकेंड टूल भी ऑप्शन हो रही है फॉर्मेट वाली, ये पिक्चर्स वाली, तो पिक्चर्स को बॉर्डर लगाना हो यहाँ पे बॉर्डर भी लगा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। कोई बॉर्डर ही देखे वो सबके ऊपर अप्लाई हो गया, हमें बॉर्डर नहीं लगाना बच्चे। तो ये था हमारा बेटा यहाँ पे काम पिक्चर्स से रिलेटेड। अब उसके बाद हम दोबारा इंसर्ट पे क्लिक कर रहे हैं, मैं इनको कंट्रोल जी कर रहा हूँ ताकि मुझे ये दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में लेके आने हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेटा क्या है, मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद यहाँ पे करता हूँ स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारी सेकंड रूल थी जो हमने आज करनी थी, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास कुछ पहले से डिज़ाइन किए हुए स्मार्ट आर्ट आ जाएंगे। मतलब है कि इन ये स्मार्ट आर्ट कह सकते हो कि आप एक ऐसे आर्ट्स हैं जो पहले से बना के रख दिए गए हैं, लिस्ट की फॉर्म में, ये लिस्ट की फॉर्म में सारे हैं, और यहाँ पे प्रोसेस की फॉर्म में, ये सारे प्रोसेस की फॉर्म में, साइकिल की फॉर्म में, ये सारे साइकिल की फॉर्म में, हैरिची है, और यहाँ पे जिस तरह हैरिची है आपको नज़र आ रहा है, मैं इसके दिखाता हूँ यूज़ कहाँ पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, ये वाली हो जाए यार ओपन, मैं ज़रा कंट्रोल, ये
ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये बना हुआ है, ये एक हेरिची टाइप का बना हुआ है, ये वाले ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ आई आर पे, और उसके बाद यहाँ पे ये आपको ऑप्शन, तो इस तरह की क्या बोलते हैं हेरिची हमारे पास, ये तो किसी ने बनाया है ना, तो हम खुद बना सकते हैं अगर स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जैसे कि मैं यहाँ पे साइकिल की फॉर्म में, हेरिची की फॉर्म में, रिलेशन की फॉर्म में, हम हेरिची पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये वाली हेरिची सेलेक्ट करते हैं और करते हैं ओके। जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास एक नई हेरिची हमारे पास बन के आ जाएगी। मैं इसको ज़रा नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो। मैं ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ, और ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के बाद मैंने ब्लैंक पेज मेरे ख्याल से ऊपर कर लिया है, तो मैं इसको उठाऊँगा यहाँ से, कंट्रोल एक्स करूँगा और यहाँ पे आऊँगा ऊपर वाले पेज में, और ये मेरा ऊपर वाला पेज है, कंट्रोल वी कर दिया, ये लो जी, इसको उठाऊँगा एक साइड पे ले जाऊंगा ताकि मुझे इसकी ज़रूरत अभी नहीं है। अब देखो बच्चा ये क्या है, मेरे पास एक स्मार्ट आर्ट है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर CEO मैंने लिखा, और यहाँ पे मुझे पिक्चर चाहिए, मैं पिक्चर पे क्लिक कर रहा हूँ, और वर्क ऑफलाइन पे क्लिक करना है, और मुझे यहाँ से पिक्चर्स चाहिए कौन कौन सी जी। मैं फॉर एग्जाम्पल फिफ्थ लेक्चर वाली पिक्चर पकड़ लेता हूँ, और मुझे यहाँ पर लिखना है जी प्रिंसिपल, मैं सिर्फ खाली PRIN लिख लेता हूँ, और यहाँ मुझे पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्क ऑफलाइन, और यहाँ पर ये वाली सिक्स वाला लेक्चर ले लिया, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पर चाहिए जी क्या अकाउंट सर्टिफिकेट, ठीक है। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद ये मैंने क्लिक किया वर्क ऑफलाइन पे क्लिक किया, और उसके बाद है जी मेरे पास यहाँ पे ये वाले ऑप्शन है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी मैं मैनेजर MA, मैंने खाली मैन मैनेजर है भाई, समझ आना ठीक है। वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और ये हो गया जी। उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास क्या है इसको मैं लिख रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है एडमिन, तो आप समझ जाना कि ये क्या लिखा हुआ है। तो वर्क ऑफलाइन पे क्लिक कर रहा हूँ, और क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है जी ये वाली मेरे थर्ड लेक्चर। तो इस तरह बेटा क्या करते हैं हम यहाँ पे स्मार्ट लेआउट में हमारे पास क्या है, पहले से सेट किए गए कुछ लेआउट मौजूद हैं, और अब उसके बाद क्या है अगर आपने इनको कलर करना हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर आपने एक दफ़ा क्लिक किया तो एक ही क्लिक हुआ तो फॉर्मेट में आते हैं। फॉर्मेट में आने के बाद यहाँ पे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वाला कलर देखते हैं इसको हो गया कि नहीं हुआ बेटा। तो इस तरह हम हमारे जितने भी मतलब शेप्स जितनी भी टूल्स थी हम सारी टूल इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, हमारी अपनी मर्जी है, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों? तो इस तरह हम स्मार्ट आर्ट पर काम करते हैं, और स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे एक और नया मेन्यू ऐड हुआ है जिसको बोलते हैं डिज़ाइन, और डिज़ाइन में हमारे पास क्या है यहाँ पे ऐड शेप, अगर हमें कोई और शेप ऐड करनी है तो हम करते हैं ऐड शेप पे क्लिक करते हैं, ये देखिए यहाँ पे शेप ऐड हो गई, तो अगर मैंने इसको सेट पर लेके आना तो ये सेट पर भी आ जाएगी, आपकी अपनी मर्ज़ी है ठीक है। ये सॉरी हमारे पास वो शेप में हाँ, इसको मैं उठाता हूँ, और ये मैं उठाया और यहाँ पर ले आया बच्चों, ठीक है ये आ गया। इस तरह हम कोई और शेप भी ऐड कर सकते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे एड शेप करना तो एड शेप पे क्लिक किया तो ये मेरे पास शेप बन गई है। मुझे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मुझे यहाँ पे एड शेप करना है और एड शेप पे क्लिक किया तो ये मेरे पास शेप बन गई है। और अगर हमने क्या कहते हैं प्रोमोट करना, देखते हैं ये क्या होता है हमारे पास, ये देखें डेमोट करना तो इस तरह की फॉर्म में लेआउट में, और यहाँ पे राइट लेफ्ट अगर हम पिक्चर को कन्वर्ट कर सकते हैं, मूव अप और मूव डाउन, मतलब कि किसी भी जो हमने शेप सेलेक्ट की है हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव अप मूव डाउन लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकंड देखें स्टैंडर्ड लेआउट है, और उसके अलावा दोबारा क्लिक कर रहे हैं बहुत है, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट हैंगिंग है, यहाँ पर दोनों तीनों इस्तेमाल नहीं हो रहे। हम यहाँ पर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला स्टाइल ले लेते हैं, तो ये देखो बच्चों इस तरह की फॉर्म में हो गया। और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कुछ और भी स्टाइल हैं, हम जैसे मोर लेआउट पे क्लिक करते हैं, और मोर लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रोसेस की फॉर्म में, और प्रोसेस की फॉर्म में हमें चाहिए यहाँ पे कौन सा लेआउट चाहिए जी, हमें ये वाला एक लेआउट चाहिए, ओके करते हैं, और ओके करने के बाद ये देखो बेटा मेरे पास एक नया लेआउट बन गया, और अगर मुझे ये वाला लेआउट चाहिए तो इस वाले लेआउट पर कन्वर्ट हो गया। हमारे पास बेतहाशा लेआउट है, हम किसी भी लेआउट के अंदर अपने उस शेप्स को जो हमने लिखी है रेशो की फॉर्म में है, मैट्रिक्स की फॉर्म में, पैरामीटर पिक्चर्स की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इस वाली क्लिक करते हैं और करते हैं ओके, तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जी ये उसने कर दिया, उसको सिर्फ पिक्चर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया।
तो बच्चे यहाँ से हम मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ठीक है, आपको बताने के लिए बस। और उसके बाद यहाँ पे कलर्स की स्कीम है, हम यहाँ से कलर अपनी मर्ज़ी के नाम कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ये वाला कलर लेता हूँ, और उसके अलावा यहाँ पे कुछ डिज़ाइन है, स्टाइल है स्मार्ट आर्ट के, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मेरे पास स्टाइल्स भी मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला स्टाइल लिया, तो ये देखो बच्चों मेरा स्टाइल उस तरह के लेआउट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर एड पेंट पर क्लिक करते हैं, ये क्या है, मैं कहता शो और हाइड टेक्स्ट पेंट, अच्छा इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको नज़र आ रही, इसको बोलते हैं शो एंड हाइड, इसको हम शो और हाइड करवा सकते हैं। तो बेटा उसके बाद हमारे पास क्या है, अगली टूल हमारे पास जो रह गई थी वो कौन सी है, इंसर्ट, हमारा स्मार्ट आर्ट भी हो गया है। अब उसके बाद कौन सी, चार्ट, तो चार्ट पे क्लिक करते हैं। चार्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के चार्ट्स हैं। जाहिर बात है आपको पता है चार्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को शेप्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके हमको दिखा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी बैंक का हिसाब किताब लगाना हो, देखना होगा कितनी अमाउंट आई है कितनी गई है, तो हम सारी अमाउंट्स देखेंगे, सारी एंट्रीज देखेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ जी अमाउंट कितनी हुई है, लेकिन किसकी सबसे ज़्यादा हुई है किसकी सबसे कम हुई है। लेकिन अगर हम कॉलम की चार्ट की फॉर्म में उसको बना लेते हैं तो चार्ट हमें उसी टाइम बता देगा कि फलां बंदे की उसकी शेप शक्ल बना देगा, हमें पता चल जाएगा कि उसकी जो अमाउंट है वो इतनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे चार्ट के डिफरेंट किस्म के यहाँ पे कॉलम है, लाइन है, पाई है, हम पाई की फॉर्म में बना के देखते हैं पहले, ठीक है, हम करते हैं ओके, और ओके करने के बाद यहाँ पर आते हैं। अब जाहिर बात है कि इसके न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू कहाँ पर मिलेंगी हमें, एक्सेल के अंदर मिलेंगी। बेसिक जो चार्ट है वो असल काम है किसका, एक्सेल का, लेकिन हम यहाँ पे वर्ड में कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो जी, अब यहाँ पे ये मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, मैं थोड़ा सा इसको ना एडजस्ट करता हूँ, इसको मैं उठा के ले जाता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ चार्ट को अपने को, ठीक है। ये आ गया जी मेरे पास, ठीक है, और यहाँ पे ये एडजस्ट भी हो गया। अब बेटा ये मेरे पास क्या है जी, अब ये क्या है मेरे पास बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यूज, जैसे यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड और थर्ड है और फोर्थ है, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ आपने लिखी हुई हैं सेल्स। अगर मैं करता हूँ वैल्यूज़, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट क्वार्टर की 8.2 है, मैं करता हूँ 4.5, और जैसे इंटर का बटन दबाऊंगा तो देखने क्या होता है यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो गई कि नहीं हुई। बेटा ये देखें, फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा हो गया, मैं कंट्रोल जी कर रहा हूँ, ये देखें अब इसकी वैल्यू फर्स्ट क्वार्टर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, कंट्रोल वाई कर रहा हूँ तो ये क्वार्टर का साइज़ जो है वो छोटा हो गया है। अगर अब मैं इसको करता हूँ, इसकी नाम लिखता हूँ एप्पल, इंटर किया, उसके बाद लिख लिया बी ए एन ए बनाना, उसके बाद मैंने लिख लिया मैंगो, और मैंगो के बाद मैंने लिख लिया जी क्या पीच, और ये लो जी मैंने। और उसके बाद अगर मेरे को नई एंट्री करनी है तो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे नया आपको उसका फल का नाम लिखूँगा, फल का नाम क्या लिखूँ मैं, कोई कोई फल का नाम मुझे बता दो यार, इतने सारे फल हैं, किसका नाम लिखूँ, फल 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 दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम, मैं कुछ और लिखने लगा हूँ, ठीक है, क्या लिखूँ, मैं तरबूज लिखने लगा हूँ जी। अच्छा मैसेज आया मुझे, क्या मैसेज आया जी, देखते हैं, ऑरेंज है, क्या बात है। अच्छा जी ये ऑरेंज लिखने लगा मुझे। ऑरेंज ऑरेंज भाई, ऑरेंज लो जी, ऑरेंज हो गया। इसका मैं साइज़ यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, ये मेरे पास क्या है 3 point something है इसकी वैल्यू, मैं इसे इंटर करने लगा हूँ तो अब ये वैल्यू यहाँ पे ऐड नहीं हुई। तो अब क्या करेंगे देखते हैं हम, जैसे हम चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट से डिड यहाँ पे दो हमारे पास मेन्यू ओपन होंगे, एक तो फॉर्मेट वाला मेन्यू है, दूसरा डिज़ाइन वाला मेन्यू। डिज़ाइन वाले मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये देखें हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, ये डिज़ाइन का लेआउट है। सिलेक्ट डाटा पे क्लिक करते हैं, जैसे मैं सिलेक्ट डाटा पे क्लिक किया तो यहाँ से ओके करता हूँ इसको, मुझे सॉरी अब मुझे यहाँ पे ऑरेंज हमारा आ गया बेटा कि नहीं आया, ये देखो ऑरेंज हमारा यहाँ सेलेक्ट हो गया। अगर मुझे कोई और डाटा इंटर करना, फॉर एग्जांपल कोई और कोई उसका नाम मतलब कोई मुझे चाहिए, कोई फल चाहिए, कोई और एंट्री करनी हो तो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको मैं करने लगा हूँ क्लोज़। ये आपको एंट्री इस तरह डाटा यहाँ से सेलेक्ट करते हैं बेटा, और उसके अलावा अगर डाटा को एडिट करना हो, सॉरी कहाँ चला गया हमारा जी,
जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए मेरे पास क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है, चार्ट्स के स्टाइल मेरे पास मौजूद है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये वाला स्टाइल तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, ये वाला स्टाइल देखें यहाँ पे ये वाला आ गया, और यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये इसकी सारी वैल्यूज हमें शो कर रहा है बेटा। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये वाला स्टाइल आ गया, और इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये वाला स्टाइल भी आ गया, और इस पर क्लिक कर रहे हैं ये वाला स्टाइल भी मेरे पास आ गया है। और यहाँ पर ये डिफरेंट किस्म के स्टाइल बेटा मेरे पास मौजूद है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइल एक लेआउट को दिखाने के डिफरेंट किस्म के स्टाइल मौजूद हैं। और अगर हमने लेआउट चेंज करना हो, फॉर एग्जांपल ये देखो यहाँ पे परसेंटेज है, ये वाला सेम वही चीज़ है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या है ऐड चार्ट एलिमेंट, देखते हैं यहाँ पे क्या है ऐड चार्ट टाइटल। अगर हम टाइटल ऐड करना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ सेल है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी फ्रूट, एफ आर यू आई टी फ्रूट, ठीक है फ्रूट हो गया। और उसके बाद क्या है बेटा यहाँ पे क्या है क्विक लेआउट, ये हमारा हो गया है। चेंज कलर हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी के कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं, किसका बैकग्राउंड का, ठीक है ये बात याद रखना। यहाँ पे क्लिक किया और अब उसके बाद क्या है, अगर हमने बैकग्राउंड में अपनी कोई पिक्चर लगानी है तो राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे ख्याल से हमारे फॉर्मेट चार्ट एरिया पे क्लिक करेंगे, और फॉर्मेट चार्ट एरिया पे क्लिक करने के बाद हमारे पास पिक्चर टेक्स्ट पिक्चर पर क्लिक करेंगे और फाइल पर, ये देखें हमारी पिक्चर बेटा ऑटोमेटिकली आ गई। मैं कैंसिल करने लगा हूँ और ये मेरे पास पिक्चर भी आ गई है। तो इस तरह हम चार्ट के बैकग्राउंड पर अपनी पिक्चर भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम जो यहाँ पे देखो एक दफ़ा क्लिक किया तो सारा का सारा चार्ट सेलेक्ट हो गया, लेकिन दोबारा क्लिक करूँगा तो सिंपल अकेला यही वाला एप्पल वाला पोर्शन जो है वो सेलेक्ट होगा। तो अगर आपने इसको सेपरेट कलर करना है तो बेटा फॉर्मेट में जाओ, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पे आपके पास कलर्स की कम्बिनेशन है, आप यहाँ से ये वाला कलर कम्बिनेशन ले लो, देखते हैं क्या अप्लाई होता कि नहीं होता। ये हो गया बेटा, तो यहाँ पे आते हैं इस मैंगो पे, अब दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, ये देखो अब इस जो वैल्यू है आप इसको भी अगर दोबारा एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो सारी वैल्यू सिलेक्ट होंगी, अगर दोबारा क्लिक करेंगे तो सिंपल एक वैल्यू सिलेक्ट होगी। तो उसको मैं कलर देता हूँ यहाँ से, कौन सा मैं इसको कर देता हूँ रेड जी, ये देखें बेटा इस तरह में हम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या है, हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, हम पूरे चार्ट पे क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या है सिलेक्ट डाटा एडिट डाटा पे क्लिक करते हैं, तो एडिट डाटा पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या है ओपन होने लगा ज़रा बेटा, ये हमारा डाटा जो हमने यहाँ पर इंटर किया है हम इसको एडिट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। और चार्ट टाइप स्टाइल अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ पे देखें पाई की फॉर्म में, अगर मैं करता हूँ कॉलम की फॉर्म में लेने लेके आना इस तरह के कॉलम में, या इस तरह के कॉलम में मैं करता हूँ ओके, और जैसे मैंने ओके पे क्लिक किया तो क्या होगा मेरा चार्ट कॉलम की फॉर्म में मुझे बार की फॉर्म में नज़र आने लग जाएगा। अगर आपने यहाँ पे क्लिक करना और मुझे लाइन की फॉर्म में लेके आना, देखते हैं लाइन कौन सी फॉर्म में आएगी, किस तरह की फॉर्म में आएगी, मेरे ख्याल से लाइन ये फॉर्म में नहीं आनी चाहिए लेकिन आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब सिर्फ हमें हाइट और वो दिखा रहा है। देखो यहाँ पर एप्पल की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर बनाना की कम है, यहाँ पर उसकी उससे कम है, यहाँ पर उसकी कम है, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा है। और हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास बार की ऑप्शन भी है, हम बार भी कर सकते हैं, एरिया एरिया यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होगा लेकिन आप कर सकते हो, एक्सेक्टर स्टॉक है, और उसके बाद सरफेस है, रेडियर है, टेम्परेचर है, और उसके बाद यहाँ पे क्या ये देखें, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ और करने लगा ओके, ये देखो बच्चों। तो इस तरह हम अपने क्या बोलते हैं अपने उस चार्ट को किसी भी लेआउट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं बेटा फिर बता रहा हूँ कि चार्ट का मेन काम होगा एक्सेल के अंदर, ठीक है। जब हम एक्सेल का काम करेंगे तब हम चार्ट्स के बारे में डिटेल में और डेप्थ में पढ़ेंगे। सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप क्या बोलते हैं कि एमएस वर्ड में अगर कोई चार्ट इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद एक टूल रहेगी, उसको मैं करवा देता हूँ, कौन सी स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट का मतलब क्या है कि अगर आपके कंप्यूटर में पहले कोई विंडो चल रही है, उस विंडो का अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप यहाँ पे क्लिक करें, स्क्रीनशॉट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, देखो एक ये वाली विंडो वर्ड की फाइल ओपन, एक ये वाली वर्ड की फाइल ओपन है। अगर हमने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लेनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, स्क्रीन पर क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद ये देखो और ये बन गया, और मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको ऐड करना है। तो ये मैंने जैसे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये देखें बेटे पास मेरे पास क्या आ गया, स्क्रीनशॉट आ गया। स्क्रीनशॉट लेने का एक और भी तरीका है, उसके लिए कौन सी टूल इस्तेमाल होती है, उसके लिए इस्तेमाल होती है बेटा स्निपिंग टूल। मैं यहाँ पर लिखता हूँ SNIPP, अच्छा जी, ये स्निपिंग टूल पर क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड करता हूँ, और अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ न्यू पे, न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे ये ऐड करना है, ये ऐड किया और इसको मैंने सेव किया, और सेव करने के बाद लिखने लगा इसका नाम, लिखने लगा जी 1, 2, 3, और इसको मैं करने लगा हूँ कहाँ पे सेव करूँ, डॉक्यूमेंट में सेव करने लगा हूँ, सेव किया और इसको मैंने क्लोज़ कर दिया। और क्लोज़ करने के बाद अगर मुझे कोई पिक्चर चाहिए तो क्या करूँगा भाई, मैं पिक्चर लाने के लिए
जी, तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आऊँगा पिक्चर्स में, और पिक्चर्स मेरी पड़ी हुई है कहाँ पे, डॉक्यूमेंट्स के अंदर। मैं डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए AS मैंने फाइल का नाम लिखा था, और ये मेरे पास क्या आ गई एक, मेरे पास इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रैपटेक्स करना, थ्रो करना पड़ेगा। तो अब इसको मैं अपनी मर्ज़ी में जहाँ मर्ज़ी मूव कर सकता हूँ। तो बेटा इस तरह हम कोई स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे गूगल क्रोम का स्क्रीन शॉट लेना हो तो मुझे गूगल क्रोम को पहले ओपन करना पड़ेगा। बेटा आपने किसी भी कोई आप कोई मूवी का मतलब कोई मूवी चला रहे हैं, कोई वीडियो चला रहे हैं, तो आपने अगर उसका स्क्रीन शॉट लेना तो उसका भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड ओपन हो गया, मतलब गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करूँगा, और देखना ऑटोमेटिक इसने गूगल क्रोम को यहाँ से पकड़ लिया, लेकिन उसको ब्लैक दिखा रहा है। तो मैं स्क्रीन क्लिपिंग में क्लिक करूँगा और यहाँ पर आप देखें ये शो हो गया, और अब इसके बाद ये मेरे पास हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लूँगा, ये मैंने जैसे सेलेक्ट किया तो ये देखो बेटा मेरे पास क्या हो गया, मेरे पास आ जा यार, तो ये मेरे पास क्या हुआ, गूगल क्रोम का स्क्रीन शॉट आ गया है। तो इस तरह हम किसी भी फाइल का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो बेटा आज हमारी जो है एलिस्ट्रेशन वाली टूल जो है वो सारी क्लियर हो चुकी है, पिक्चर्स, ऑनलाइन पिक्चर्स, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीन शॉट। इंशाल्लाह कल हम यहाँ पे ऐड इंसर्ट, मीडिया, लिंक्स और कमेंट, ये चार इंशाल्लाह टैब कल करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा में काम होता है, टाइम लगता है इनके अंदर, इस टैब के अंदर, बाकी टैब्स के अंदर टाइम नहीं लगता। तो इंशाल्लाह इसके बारे में कल डिस्कस करेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।